एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त आपको बता रहे हैं। यूक्रेन में बड़ी संख्या में फंसे भारत के नागरिक और फंसे भारतीय नागरिक का वीडियो सामने आया है। इसके पहले भी तमाम ऐसे वीडियो सामने, एक और वीडियो सामने आया है, आप देख सकते हैं। तमाम सारे भारतीय नागरिक इस वक्त एक हॉल में एकत्रित हुए हैं। एक और वीडियो भारतीय नागरिकों का सामने आया है। सभी भारतीयों को निकालने की कोशिश है भारत की तरफ से, और इसी खबर पर हमारे संवाददाता दिल्ली से प्रिंस जायसवाल जुड़ गए हैं। प्रिंस, जो कोशिश है भारत सरकार की, अब से कुछ ही देर पहले बैठक भी हुई दिल्ली में, अब कहा जा रहा है व्लादिमीर पुतिन से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री बात करेंगे, क्या लगता है कितना और वक्त लग सकता है भारतीय नागरिकों को वापस देश लाने में? प्रिंस के पास हम वापस आने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर आपको रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बता रहे हैं। फंसे भारतीय नागरिकों का एक और वीडियो सामने आया है। इसके पहले आज दिन भर जब से इस वॉर की शुरुआत हुई, लगातार वहां जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, इसके अलावा तमाम जो लोग वहां रह रहे हैं, उन्होंने वीडियो बनाकर भेजे हैं, अपनी तकलीफ अपनी परेशानी को साझा किया है वीडियो के जरिए। कुछ लोगों ने सरकार से अपील की है, कुछ लोगों ने अपने परिवारों से जुड़ने की कोशिश की, वहां की स्थिति के बारे में बताया है। ये वीडियो जो आप देख सकते हैं, इसमें यूक्रेन में जो भारतीय राजदूत हैं वो वहां तमाम नागरिकों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको दिलासा दिलाने की कोशिश है कि परेशान बिल्कुल मत होइए, भारत सरकार आपके साथ बनी हुई है। वापस प्रिंस के पास हम आएंगे। प्रिंस, अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक बुलाई थी, बैठक के बाद अब कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करेंगे, कितना और वक्त लग सकता है जो फंसे भारतीय नागरिक हैं उनको वापस वतन लाने में? जी, मैं आपको बता दूं कि अगर हम भारत की बात करें तो आज हिंदू संगठन के कई आला अधिकारी, चाहे हिंदू युवा वाहिनी हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे शिवसेना हो, इन्होंने कई जगह दिल्ली के अलग अलग जगह जो आगजनी की और जो है कई जो है उन्होंने पुतला भी दहन किया। हालांकि इनकी मांग है कि हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति बनाने को लेके जो है कई बातें कही है और देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से जो है यूक्रेन और ऐसे में जिस तरीके से जंग छिड़ी हुई है। और तमाम जानकारी के लिए अगर मैं आप आपको बता दूं कि भारत दिल्ली के जो सेंट्रल जो एक स्थान है, सेंट्रल में जो है पुलिस बल जो है यहाँ पे तैनाती की गई है, लगातार हर एक जगह दिल्ली के कोने कोने में आगजनी की शुरुआत की गई, जिसमें आपको मैं एक बात बता दूं कि बताते हुए हमले की शुरुआती यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में धमाके से हुई। फिलहाल यूक्रेन से दूसरे देशों के साथ साथ पीएम मोदी से भी मदद मांगी गई, यानी भारत देश के प्रधानमंत्री आपसे हम ये जानना चाहेंगे, अब से कुछ ही देर पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक बुलाई थी, बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही, कितना और वक्त लग सकता है जो भारतीय नागरिक वहां फंसे उनको वापस लाने में? देखिए, 24 घंटे की अगर हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो जिस तरीके से दूतावास से इनकी प्रेस मीटिंग चल रही थी, जिस तरीके से उन्होंने भारतीय नागरिक को जो वहां फंसे हुए थे उनको सुरक्षा जो मुहैया कराना एक भारत का सर्वप्रथम एक जो है मुहैया कराना है। और वहां पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुछ ही समय पश्चात हमें ओवर टाइम दिया जाए जिससे सभी भारत के नागरिक को सुरक्षा भारत ले जाए। जी प्रिंस, दिल्ली में भी तमाम ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे वहां पढ़ाई करने गए हैं, उन परिजनों को लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है उनकी तरफ से, क्या कुछ कहना है? देखिए, इनका कहने का यही तात्पर्य था कि जिस तरीके से यूएन में और रूस में जिस तरीके से वहां पे हादसा और हमला, जिस तरीके से हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही थी, ऐसे में ये घटना नहीं होनी चाहिए। चीन की बात करें चाहे रूस की बात करें, ये तमाम जो जिस तरीके से ये संदिग्ध घटनाएं चल रही है ये कदापि सही नहीं है। लेकिन भारत के जो नागरिक जो उनके बच्चे वहां पे पढ़ रहे थे कॉलेज में, चाहे इंजीनियर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे, उनको अब उनकी चिंता लगी, यानी भारत की
जो जनता है जिनके बच्चे वहां पे पढ़ रहे थे उनको, यानी भारत के जो नागरिक थे देश के प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बच्चे। अपील की जा रही है परिजनों की तरफ से जल्द उनके जो बच्चे वहां फंसे उनको किसी भी तरह वापस लाया जाए। इस दिशा में सरकार काम भी कर रही है, कितनी जल्दी उनको लाया जाए देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस हमारे साथ बने रहने के लिए। तो रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग छिड़ी है लगातार ये और खतरनाक होती जा रही है।